जहाँ पे हम सब इंटेल के ऊपर कम्प्लीटली फोकस करके बैठे हुए थे और इंटेल के चिप्स जो आने वाले हैं इंटरेस्टिंग से उन पे फोकस था हमारा, वहीं पे एएमडी ने अपना रिटर्न गेम खेल दिया है मार्केट में रिटर्न करने के लिए। यहाँ पे एएमडी के जेन 4 कोर पे बेस्ड चिप्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो बने होंगे टीएसएमसी के 5 नैनोमीटर ईयूवी प्रोसेस नोड पे, और ये आ सकते हैं इसी टाइम के आसपास अगले साल। और इसके अलावा यहाँ पे राइजन 6000 प्रोसेसर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 4th Gen इपिक जिनोआ प्रोसेसर देखने को मिलेंगे और बर्गामो सर्वर चिप्स भी देखने को मिलेंगे। इनके डिटेल्स आ गए हैं मेरे सामने, तो बात कर लेते हैं यार, काफी इंटरेस्टिंग है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं और ऐसे इफर्ट्स को आप मोटिवेट कर सकते हो बस एक लाइक एंड शेयर करके, क्योंकि एकदम फ्री में हो जाता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मिस ना कर जाओ ना। यहाँ पे इन प्रोसेसर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आने वाले हैं लास्ट क्वार्टर 2022 में या फिर 2023 के अर्ली मंथ्स में। नाउ यहाँ पे बोथ जो जिनोआ है और इसके बाद बर्गामो है, ये दोनों ही TSMC के 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने होंगे। यहाँ पे अगर हम इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं AMD जिनोआ की, तो यहाँ पर आपको 2 times एफिशिएंसी मिल जाएगा और 25% मोर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग इपिक के मिलियन चिप्स पे बेस्ड होंगे। यहाँ पे अगर हम कहते हैं न्यू सॉकेट टाइप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि होगा SP5। यहाँ पे आपको DDR5 मेमोरी सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे PCIe Zen 5+ CXL 1.1 इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें इसके अलावा आपको 128 PCIe Gen 5 लेंस मिल जाएंगे 1S पे और 160 मिल जाएंगे 2S कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे अगर हम TDP की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 320 वाट का TDP देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे CTDP देखने को मिल जाएगा 400 वाट का। ना बात करते हैं अगर इनके बर्गामो सीरीज की, तो ये बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे सॉकेट टाइप तो सिमिलर रहेगा, साथ ही साथ Zen 4 आर्किटेक्चर पे बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे 16 कोर्स मिल जाएंगे एक CCD पे, वहीं पे 8 मिलेंगे जिनोआ में। यहाँ पे अगर बात करते हैं 128 कोर्स तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये आर्म बेस्ड डिजाइन होगा, मतलब ये ऐसा होगा ना कि सर्वर के लोड्स को हाई एंड कैलकुलेशंस को नहीं कर पाएगा, लेकिन सर्वर के क्लाउड सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे इससे क्या होगा, पावर कंजम्पशन भी कम होगा, साथ ही साथ कोर्स भी ज़्यादा मिलेंगे और सर्वर में यार काम ही ज़्यादा क्या रहता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए गुड प्रोसेसर फॉर द क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक गूगल की बात कर लो, अमेज़ॉन की बात कर लो, या और भी बड़े बड़े जैसे हॉस्टगेटर की बात कर लो, गोडेडी की बात कर लो, या फिर जो भी सर्वर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। ना बात कर लेते हैं राइजन 6000 सीरीज के बारे में जो कि क्लाइंट साइड होगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया काम है कि यहाँ पे इंटेल को कम्पीट करने के लिए कोर काउंट्स को बढ़ाया गया है। यहाँ पे राइजन 9S के यूज़ में आपको 18 से 20 कोर्स तक देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे 12 कोर्स राइजन 7 में, राइजन 5 की अगर बात करते हैं तो 8 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप कैश की बात करते हो तो यहाँ पे जो कैश का डिटेल है वो मैं आप सभी के साथ अभी स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हो, पॉज करके पूरा डिटेल ले सकते हो। हालांकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। यहाँ पे L1 कैश 32 KB का होगा, L1 एंड L1D मतलब L1i होगा 32 KB और L1D होगा 32 KB का, टोटल 64 KB हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर L2 की बात करते हैं तो
1 MB का कैश देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं L3 कैश की तो यहाँ पे अनचेंज्ड रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं जो कि है 3D टैग्ड वी कैश, जो एक एडिशन हो जाएगा आपके Zen 4 बेस्ड आर्किटेक्चर वाले चिप्स में। तो इससे आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये 12th जेन के इंटेल CPUs को थोड़ा बहुत टक्कर देगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रह जाएगा, टक्कर अच्छी तरीके से ही देगा। बाकी तो बेंचमार्क निकल के जब आएगा तब हम सभी देखेंगे इस चैनल पे, वो तो हमारा काम ही है देखना। तो इसके डिटेल्स, बेंचमार्क एंड ऑल दिस थिंग्स जब निकल के आएंगे चिप लाइन जो क्लाइंट साइड के लिए हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आप लाइक करके शेयर कर दो, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले कि भैया हाँ यार वीडियो बनाना चाहिए, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ रैप अप करने का टाइम आ गया है इस वीडियो को, तो मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।